अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर करना ताकि यूट्यूब आगे और लोगों को ये वीडियो भी रिकमेंड करे। लोगों की भारी डिमांड और बेहतरीन रिस्पॉन्स को देखते हुए हैप्पी शॉप ने एक बार फिर लॉन्च किया है फ्री पेट्रोल ऑफर, जहाँ आपको 500 रुपए से ज्यादा की हर शॉपिंग पर मिलेगा फ्री पेट्रोल। ये ऑफर 1 अक्टूबर से शुरू होगा। वहीं हैप्पी शॉप्स इंपोर्टेड चॉकलेट्स, इंपोर्टेड ड्रिंक्स और प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स के लिए काफी फेमस है। एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप चाविंद्रा भिवंडी। भिवंडी में फर्जी डॉक्टरों पर महानगर पालिका हुई सख्त। भिवंडी में सैकड़ों झोलाछाप डॉक्टर अपना निजी हॉस्पिटल चला रहे, वहीं इन फर्जी डॉक्टरों के गलत इलाज की वजह से मासूम लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। इस पर भिवंडी महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद्य ने कहा, यह गंभीर विषय है, एक विशेष अभियान चलाकर इन सभी डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक प्रचार करने के लिए भिवंडी में हुई शिकायत दर्ज। बागे फिरोज मस्जिद के पास एक ऑटो रिक्शा द्वारा कांग्रेस पार्टी का झंडा और लाउडस्पीकर लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक प्रचार किया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर भिवंडी शहर बीजेपी अध्यक्ष एडवोकेट हर्षल पाटिल और संतोष शेट्टी के नेतृत्व में रिक्शा ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शिष्टमंडल ने भिवंडी पुलिस आयुक्त नवनाथ ढवले से मुलाकात की। सितंबर महीने से बिजली बिल में फिर लागू होगा FAC शुल्क। महावितरण ने 30 सितंबर 2023 को परिपत्र संख्या 310 जारी किया है, जिसमें सितंबर 2023 के बिलिंग महीने के लिए महाराष्ट्र भर के महावितरण के ईंधन समायोजना शुल्क लागू करने का निर्देश जारी किया है। प्रति यूनिट दर के अलावा उपभोक्ता को उनके बिल में FAC शुल्क अतिरिक्त रूप से लागू किया जाएगा। CRZ के अतिक्रमण पर MMRDA ने चलाया JCB। भिवंडी शहर से सटे खोनी ग्राम पंचायत में खाड़ी किनारे अतिक्रमण कर CRZ की जमीन पर अवैध रूप से इमारतों के निर्माण का काम शुरू था, जिसकी जानकारी थाने के MMRDA विभाग को मिली। इसे संज्ञान में लेकर MMRDA ने खोनी ग्राम पंचायत का सर्वे नंबर 73 में बन रही सभी इमारतों को तोड़ दिया। भिवंडी के फुटपाथ पर एक बेघर बेसहारा व्यक्ति कई दिनों से बीमार पड़ा था, जिसका पैर गैंगरिन के कारण सड़ गया था। इस व्यक्ति की पीड़ा देख भिवंडी के नौजवान रविश मोमिन, जमीर हाशमी और शाहरुख सैयद उर्फ माया ने उस व्यक्ति को फौरन एम्बुलेंस में डालकर मुंबई के साइन हॉस्पिटल पहुंचाया और उसके पैर का ऑपरेशन करवाया। फिलहाल व्यक्ति की हालत खतरे से बाहर है और उसके घर वालों का पता लगाया जा रहा है। हर सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली जीजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था अब धीरे धीरे भिवंडी शहर में अपना जनाधार बढ़ा रही है। वहीं शुक्रवार को जीजाऊ संस्था के संस्थापक नीलेश सामरे के नेतृत्व में तौसीफ भूरे ने कई युवा चेहरों को जीजाऊ के साथ जुड़ाया। नीलेश सामरे जी का कहना है कि जीजाऊ संस्था का एकमात्र लक्ष्य है देश के युवाओं को हर तरह से सक्षम बनाना। केंद्र सरकार ने बाल यौवन शोषण से जुड़े कंटेंट हटाने का नोटिस जारी किया। सरकार ने शुक्रवार को बाल यौवन शोषण से जुड़े कंटेंट को लेकर बड़ी कार्रवाई की। सरकार ने सोशल मीडिया मंच ट्विटर, यूट्यूब और टेलीग्राम को अपने प्लेटफॉर्म से बाल यौन शोषण संबंधी कंटेंट हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। अब देखना यह है कि ये सोशल प्लेटफॉर्म अपने कंटेंट क्रिएटर के साथ क्या कार्रवाई करते हैं। मुंबई के गोरेगांव की इमारत में आग लगने से हुई 7 लोगों की मौत, 62 लोग हुए घायल। गोरेगांव वेस्ट आजाद मैदान में जय भवानी नामक ग्राउंड प्लस 5 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर दुकान, स्क्रैप मटेरियल और गाड़ियों में आग लगने से आग बढ़ती गई और लोग बाहर नहीं निकल पाए, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई। खबर मिलने पर दमकल विभाग के जवानों ने इमारत से लोगों को निकाला और इलाज के लिए पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जिस पर महाराष्ट्र CM एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। साकिनाका पुलिस ने MD ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का किया पर्दाफाश, 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स और 12 रुपए को किया गिरफ्तार। मुंबई की साकिनाका पुलिस ने अगस्त के महीने में एक एक करके 12 लोगों को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया। साथ ही नासिक में MD ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का किया पर्दाफाश और कुल 151 किलो 30 ग्राम ड्रग्स बरामद किए, जिसकी कीमत 300 करोड़ 25 लाख 10 हजार रुपए बताई जा रही है। साकिनाका पुलिस ने तमाम आरोपियों के खिलाफ किया मामला दर्ज। कनाडा में हुआ प्लेन क्रैश, 2 भारतीय पायलट समेत 3 लोगों की मौत। कनाडा में वैनकावर के पास चिलीवेक में एक प्लेन क्रैश में 2 भारतीय पायलट समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मीडिया के मुताबिक पेड़ से टकराने पर यह हादसा हुआ। मरने वाले दोनों भारतीय पायलट के नाम अभय और यश विजय है।
जो कि मुंबई के रहने वाले थे। स्थानीय अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर हादसे की जांच कर रहे हैं। अब लॉन्ड्री के पुराने तरीके को करो टाटा बाय बाय, क्योंकि भिवंडी शहर में आ गया है आयरन आउट प्रोफेशनल लॉन्ड्री, जहां आपको स्टीम आयरन, लॉन्ड्री और ड्राई क्लीन के साथ साथ कस्टमाइज सर्विस भी मिलेगी। साथ ही पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी है। इनके मोबाइल ऐप से आप आसानी से सर्विस बुक कर सकते हैं। आयरन आउट प्रोफेशनल लॉन्ड्री एट अलाइट पेट्रोल पंप, बागे फिरदौस, भिवंडी।